अच्छा दोस्तों, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय 2010 2011 2013 14 15 17 18 19 इतने साल ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा आप ये कैसे जीवन परिचय तैयार करो और लास्ट में बताऊंगा आप किस तरीके से लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना। अगर आप एक क्लास 10 12 के स्टूडेंट तो आपको इसको वीडियो को एकदम अंत तक देखना है और मैं बताऊंगा किस तरीके से आप कौन से स्टेप फॉलो करोगे कि आपको जीवन परिचय में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीवन परिचय जिस भी राइटर का लिखना है, कवि कवयित्री का, ठीक है, आपको इतने पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृतियां। ठीक है, अब जैसे आपको महादेवी वर्मा का लिखने के लिए दिया है तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दो महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा आपको इनका लिखना है। ठीक है, अब आपको इनका जन्म स्थान पता रहना चाहिए तो आपको इनका जन्म स्थान 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको जन्म स्थान जरूर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये फर्रुखाबाद में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं फर्रुखाबाद। अब आपसे क्या नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु का डेट किस वर्ष में हुआ, 1987। ठीक है, अगर आपको इनका डेट पता है कि किस डेट में तो और अच्छी बात है। 11 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी तो ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका माता का नाम, तो माता का नाम आप सभी को पता है श्रीमती हेमरानी जी इनकी माता का नाम है, तो ये भी लिख दो यहाँ पर श्रीमती हेमरानी। ठीक है, माता का नाम हो गया। पिता का नाम गोविंद साय वर्मा जी था तो इनका भी नाम लिख दो श्री गोविंद सहाय वर्मा। क्लियर है। अब अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जीवन परिचय में नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। आपको ऐसे याद करो कि आपको सब पॉइंट याद रहे। ठीक है, और उच्च शिक्षा इनकी प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, अच्छा इनकी कृतियाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीवन परिचय में। ठीक है, जो भी इनकी कहानी रचनाएं आपकी लेख जो भी इनका रहेगा आप ये सभी कृतियाँ में आ जाएंगे। ठीक है, कहानी हो या कविता हो या कोई भी इनकी जीवनी हो, ठीक है, ये सभी इनकी कृतियाँ में आ जाएंगी। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निहार है और रशीम, आपको जितना याद है आप उतना लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, निर्जा, दीपशिखा, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इनका जीवन परिचय लिख सकते हो। अब कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म। अच्छा, तो यहाँ पर जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं वो इसको अलग पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं एग्जामिनर का यहाँ पर ध्यान पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनर को पता चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में तीन चार दिया रहता है, ठीक है, उसमें से एक करना रहता है, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये महादेवी वर्मा के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, फिर लिखोगे महादेवी का जन्म वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, देखो बच्चों, जो जीवन परिचय होता है उसमें यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि डेट ऑफ बर्थ, किस शहर में हुआ था, प्रमुख कृतियाँ, माता का नाम, पिता का नाम, ये अगर आपका सही तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे इसमें इनके पिता का नाम गोविंद साय वर्मा था जो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। ठीक है, जो इनके नाना जी थे, नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, ठीक है, और जो उच्च शिक्षा होती वो प्रयागराज में हुई थी। इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा, ठीक है, मतलब काफ़ी कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ा। इनकी रचनाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो इनकी रचनाएं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो इसमें मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर आप इसको देखते चलो तो मैं स्टेप वाइज जैसे जैसे इसमें लिखा है बस इसी तरीके से इसमें सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया है और इतना अच्छा लिखा हुआ है कि इसमें एक नंबर भी कटने का कहीं से चांस ही नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आप लिख दोगे इनकी प्रमुख रचना निहार, रश्मि, निर्जा, सांद गीत, दीपशिखा है और इस महान कवित्री की मृत्यु 1987 हो गई में हो गई। ठीक है,
अब आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें बखेड़ा नहीं करना है कि बहुत सारा लिखें, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट दिया जाता है जीवन परिचय में कि इतना ही वर्ड लिमिट में आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आए कि इस तरीके से आप सबसे पहले जो भी राइटर का आपको याद करना है इतना पॉइंट आप याद कर लो, फिर सिंपली आप लिखते जाओ, ठीक है। आप कहीं पर भी नहीं भूलोगे और ना ही आपका एक जगह भी मिस्टेक होगा, ठीक है। और जो मैंने पॉइंट बताए इन सबको हाईलाइट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और इस जीवन परिचय को आप जरूर